Scusi, Rai. Gurji, full right. Blue light बता रही है ऐसे हो आ जाओ बाइक पे दो सब लोग
कि वो एक ऐसे इंसान थे सिनेमा से बहुत प्यार करते थे और सिनेमा से उन्होंने ऐसा नहीं होता वेरी हैप्पी जानता मैं चाहूँ कि कभी साथ काम कुणाल जरा सुहा जी के साथ सुहा जी को तो मैम राइट में सर वीडियो वीडियो के लिए पॉपकॉर्न है ये एक तो बोल के बाद लाल के साथ में बहुत दिन बाद एक इस तरीके की ट्यूनिंग बनी और थैंक्स टू माई प्रोड्यूसर थैंक यू डिज़्नी प्लस हॉटस्टार एंड थैंक यू फराज भाई की फराज भाई लगभग 2001 में हमारी दोस्ती हुई थी जब हम शोर मचाए शोर वजह से रेबू धवन साहब के साथ बहुत सारी फिल्में उन्होंने लिखी हुई थी लेकिन पॉपकॉर्न है एक वेब सीरीज जिसको कहें या ये बहुत ही अच्छा एक ऐसा प्यारा सा पारिवारिक ड्रामा करने का मौका मिला मैं बहुत खुश हुआ कि अगर इस तरीके के प्रोजेक्ट में राजपाल यादव को एक पात्र निभाने का मौका मिला है तो राजपाल का सौभाग्य है क्योंकि इतनी प्यारी कास्ट ग्रुप के साथ एक बहुत एफर्टलेस जो है वो लाफ राइट एंटरटेनमेंट फॉर फैमिलीज करने का मौका मिला सतीश जी भी आए सतीश जी एक तो 4 तारीख को मैं मतलब मुझे इतना आज तक मैं सतीश जी की कमी 4 तारीख को हमारी बेटी और सतीश जी की बेटी दोनों एक स्कूल में पढ़ते हैं हमने एक एनुअल फंक्शन में साथ साथ हिस्सा लिया और उसके 2 दिन तक मैं रहता हूँ जब मुझे खबर मिली तो मुझे लगा कि ये अनहोनी थी और इस अनहोनी के बारे में कभी कभी ईश्वर से प्रार्थना ये करनी पड़ती है कि हम लोग इस कॉल के आगे किसी की नहीं चलती है लेकिन अगर ऐसी कॉल आए तो ईश्वर कुछ ऐसी हम लोगों का आशीर्वाद मिले कि ऐसी कॉल कभी ना और सतीश जी बड़े भाई की तरह थे हमने उनसे उनके डायरेक्शन में काम किया उनके प्रोडक्शन में काम किया उनके साथ में हमने स्क्रीन शेयर किया उनके साथ में जो है पॉपकॉर्न है वो शेयर कर रहे थे और इतनी ऊर्जा कहीं से दूर दूर तक नहीं लगा कि सतीश भाई का कोई इस तरीके का बात और हो सकता है लेकिन उनको हम सब याद कर रहे हैं और पॉपकॉर्न को हम जो है वो एक श्रद्धांजलि के रूप में वो हमारे साथ में और प्रचेत होते हैं इनफैक्ट एक लास्ट अनाउंसमेंट जो बहुत बड़ा अनाउंसमेंट हुआ है भुलभुलैया 3 का उसको लेके क्या काफ़ी लोग एक्साइटेड हैं 1, 2, 3 जितना आप एक्साइटेड हैं उससे कहीं ज़्यादा हम एक्साइटेड हैं क्योंकि पहली बार लाल बनने का मौका मिला दूसरी में सफ़ेद बनने का तीसरी तैयारी कर रहा हूँ तो कौन सा कलर चूज करूँ और हम तो चाहते हैं भुलभुलैया दर्जन पर बने उसके हिस्से में कुछ हिंट देना चाहूँगा कौन सा कलर अच्छा हिंट देना जल्दबाजी सभी लोग पॉपकॉर्न देखे डिज्नी प्लस हॉट स्टार में और खूब मजा लें मुझे पूरा भरोसा है कि टीम की पूरी टीम की मेहनत से ये आपको 100% आपके ब्लड सर्कुलेशन को अच्छा करने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी पॉपकॉर्न जरूर देंगे बहुत बहुत 17 मार्च कर दिए
रूम को भी बोलना है वो ना क्या वो ना वो नहीं हाँ बोला मैंने बोला रुको सर राइट में बोले हमने कहा 20 साल से एक अदर भाई अगर माइक हाँ माइक में सर सर माइक में सर माइक में सर माइक में हाँ सर आप भी आ जाइए क्या हुआ तो बोले यार नहीं मेरे बहुत बहुत बधाई कहा राजपाल की लाइफ में आप सब आशीर्वाद दो पहली और आखिरी पिछले 20 साल देखी तो आयुष्य का भी सबका बहुत सम्मान है सब हूँ आगे और ये खान पान की रियल सर मिला करता धन्यवाद कॉमेडी की बात करें आपका नाम राव और इतनी बड़ी कॉमेडी सीरीज है उल्टा बोलिए सर कॉमेडी की बात करें और इनका नाम उल्टा और आपका तो पॉपकॉर्न के बारे में काफ़ी अमेजिंग कॉमेडी जॉनर देख लिया आप क्या कहना चाहोगे मैंने भी मतलब फराज सर के साथ मैं शो कर चुका हूँ बेबी कमना और वेब सीरीज है बेबी कमना और हम सब की प्ले किया है डेली डेली एंजॉयड मच है उनके साथ काम करके तो मुझे पता है कि उन्होंने बनाई है तो कमाल का ही होगा बाकी प्रोड्यूस तो आप सबने देखे हैं मैंने भी देखे हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग है और उनका जो टेक होता है उनका जो कॉमेडी का स्टैंड होता है वो बड़ा ही अलग है तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है सो जैसे उनके सारे प्रोडक्ट्स होते हैं जो बहुत ही फनी और अच्छे होते हैं ये भी होगा नाम काफ़ी अच्छा लग रहा है टाइटल उसके बारे में क्या कह रहा है उसके बारे में यही कह रहा था टाइटल सुन के भूख लग जाती है मुझे तो बड़ा शौक है पॉपकॉर्न खाने का कई बार होता है मतलब थिएटर बस पॉपकॉर्न के बिना फिल्म अधूरी होती है तो टाइटल बहुत ही अट्रैक्टिव है क्योंकि और साथ ही में ऑब्वियसली सवाल भी है कि पॉपकॉर्न यानी कि पिता कौन है तो वो जो मिक्स है यानी कि जो दो मीनिंग है उसी टर्म के वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है एक तो फिल्मों से जुड़े रहते हैं क्योंकि पॉपकॉर्न है और साथ में आपके तो यार इट्स अ वेरी वेरी कैची टाइटल इस सीरीज की मैं बात करूँ सतीश जी में कोई ऐसी यादें आपकी या फिर कोई ऐसी बातें जो काफ़ी मिस होगी आज देखते हो तो काफ़ी होगी क्योंकि मैं सतीश जी के साथ अभी हमने 2-3 एपिसोड किए कपिल शर्मा शो में और बहुत ही मतलब खुल के अपनी कहानियाँ बताते हैं जैसे वो अपनी फिल्म के बारे में बताते थे उन्होंने फिल्म बनाई नहीं चली उसके बाद बड़ी खुल के वो बोला करते थे और एक सीन था जब मैंने उनके सामने बैठा मुझे याद है कि भाई इस बार तो ऐसा लग रहा है कि मैं आईने के सामने बैठा क्योंकि मैं और वो स्ट्रक्चरली ज़रा सिमिलर दिखते हैं तो बड़ा मिस करूँगा उन्हें और करता हूँ एंड या गॉड ब्लेस थैंक यू सो मच सर वर्ड